नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में, जहां एक किसान मेले का आयोजन किया गया था और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन हैं विजेंद्र सिंह सोकिन जी। सर स्वागत है आपका समाचार कैरी में। धन्यवाद भाई साहब। मैं बताना चाहूंगा कि आज इस किसान मेले में आज का तो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो अलग अलग ट्रेनिंग किसानों को दी जाती है खाद के बारे में, बीज के बारे में, फसल के बारे में, या अचार डालने के बारे में, या जैसे गृहिणियों को या किसानों को कोई मोमबत्ती बनाने का कार्य है या शहद उत्पादन का है, बहुत सारी आपने देखा होगा, एग्जीबिशन भी लगी थी जिसको भी और भी देख करके प्रोत्साहित होते हैं और अपना खेती बाड़ी से अलग अपना और भी कारोबार कर सकते हैं। बहुत से स्कूल के बच्चे और स्कूल की टीचर्स भी आई थी जिन्होंने किसानों से संबंधित ही इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लिया, उनको भी सम्मानित किया गया है दिल्ली, पूरे दिल्ली से कुछ टीचर्स और बच्चों को। तो आज का जो ये उद्घाटन करने का था, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार की स्कीम है, ये दिल्ली में एकमात्र ऐसा सेंटर है जो उजवा में, जो और सारी दिल्ली में कहीं नहीं है। और मेरे को इस बात को कहते हुए फ़ख्र होता है कि हमारा ये सेंटर, जैसे कि उषा के साइंटिस्ट डॉक्टर ए के सिंह और डॉक्टर मिश्रा भी आए थे, उन्होंने भी ये माना है कि हमारा सेंटर जो है ऑल ओवर इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है। तो इस बात से की बधाई हमने अपने स्टाफ को और संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को भी दी है। तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए कि किसान की फसल कैसे दोगुनी हो, कैसे उसकी इनकम बढ़े, अच्छा खाद कौन सा है, अच्छा बीज कौन सा है, किस टाइम में कौन सी फसल उगानी है, या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आप कैसे ले सकते हैं, तो इन सब बातों को रखते हुए आज का ये मेले का आयोजन किया गया था। और सभी को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है उनको इनाम भी दिए गए। धन्यवाद। उजवा गांव के कृषि विज्ञान केंद्र में और यहां के डायरेक्टर हैं मेरे साथ पीके गुप्ता जी। आइए जान लेते हैं किसान मेला यहां पर आयोजित किया गया था, क्या विषय रहा। सर स्वागत है आपका समाचार कैरी में। जी धन्यवाद। और आज जो किसान मेला आयोजित किया गया था, क्या उद्देश्य रहा और क्या प्रारूप था? आपको हम बताना चाहेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र जो दिल्ली का है, एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र है और यहाँ पे हम किसान मेला साल में दो बार ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करते हैं जी। बट 2020 में ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए कोरोना के कारण। ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है, सभी कृषि विज्ञान केंद्र का एक ऑब्जेक्टिव होता है, किसान मेले का ऑब्जेक्टिव होता है किस थीम पे किया जाए। पराली प्रबंधन पे हम लोगों ने किया था। इस कृषि विज्ञान केंद्र में लगभग 400-500 किसान आए थे, लगभग 15 एग्जीबिटर्स भी थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र में विभिन्न प्रजातियों का डेमोन्स्ट्रेशन लगाया हुआ, हम लोगों ने किसानों को दिखाया ताकि किसान उसको अपने खेत पे जो उनको सूटेबिलिटी हो लगा सके। और मेन ऑब्जेक्टिव कृषि विज्ञान केंद्र का आईसीआर का माध्यम से ये होता है कि किस वैरायटी को किस एरिया के लिए रिकमेंड किया जाए, वो डिपेंड करता है कृषि विज्ञान केंद्र के एडोप्टेबिलिटी पे और सूटेबिलिटी पे। क्योंकि किसान भाइयों ने देखा इस तरह से जो नई प्रजातियाँ होती है किसानों के पास जाता ले जाने का प्रयास करते हैं, तकनीकी भी होता है। इस कार्यक्रम में निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान NHRDF के प्रेसिडेंट डॉक्टर विजेंद्र सिंह साहब जी, DM, काफ़ी लोगों ने प्रयास किया और काफ़ी लोगों ने अपने अपने शब्द से लोगों को मुखावित किया, उनको प्रोत्साहित किया। और आशा करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का प्रयास करेगा और यहाँ के किसानों की आय बढ़ेगी। दूसरा चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि 110 किलोवाट का सोलर वाट हम लोगों ने लगा रखा है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि नीचे किसान खेती करेंगे, ऊपर से सोलर जनरेट होगा, जिसके कारण से आय उनकी दुगुनी होगी, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, किसानों का आय दुगुना करना। अपना नंबर दे दीजिए सर, लिंक भेज देंगे ना आपको, कार्ड है सर।